हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं उबुंटू डेस्कटॉप कंप्यूटर पे पीएचपी कोडिंग एनवायरनमेंट सेट करना सिखाऊंगा। इस एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए हमें जो डिजायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो है अपाचे वेब सर्वर, पीएचपी कोडिंग लैंग्वेज और MySQL डाटाबेस सर्वर। MySQL डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसे हम पीएचपी माई एडमिन कहते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल होता है जब हम पीएचपी के थ्रू कोडिंग करते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में इंस्टॉल करना सीखेंगे। जब हम एक पीएचपी एनवायरनमेंट को सेट करते हैं एक विंडोज मशीन पे, उसे शॉर्ट में वैम स्टैक बोलते हैं, विंडोज अपाचे MySQL पीएचपी, और लिनक्स एनवायरनमेंट में सेट करते हैं तो उसे हम लैम्प स्टैक बोलते हैं, लिनक्स अपाचे MySQL पीएचपी। तो इस वीडियो में हम लैम्प स्टैक कन्फिगर करना सीखेंगे और उबुंटू 20.04 डेस्कटॉप है जिसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे और जिसके ऊपर मैं आपको ये इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से सबसे पहला स्टेप जो उबुंटू डेस्कटॉप पे रहता है वो रहता है हमारे सॉफ्टवेयर पैकेज लिस्ट को अपडेट करना। इससे इन केस किसी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्जन हमारा रिपोजिटरीज में अवेलेबल है तो वो मैसेज हमें आ जाएगा और हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ एनी न्यू सॉफ्टवेयर। तो ये कमांड देते ही हमारा जो सिस्टम है वो हमारी कॉन्फ़िगर्ड रिपोजिटरीज के साथ कनेक्ट करके वहां से हमारे इंस्टॉल्ड पैकेजेस की लिस्ट को कंपेयर करता है जो भी लेटेस्ट लिस्ट अवेलेबल है, और इन केस कोई भी हमारा पैकेज अपडेटेड नहीं है, आउट ऑफ डेट है, तो यहां पे हमें मैसेज आ जाता है जहां पे आप देख रहे हैं ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट, वहां पे हमें आ जाएगा कि नंबर सो एंड सो नंबर ऑफ पैकेजेस आर ड्यू फॉर अपडेट। तो फिर हम इसके बाद sudo apt upgrade कमांड देके ये पैकेजेस को अपग्रेड कर सकते हैं। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम ऑलरेडी अपडेटेड है, तो हम सीधे यहां पे अपाचे इंस्टॉल करने की कमांड देंगे, sudo apt install yapache2। इस कमांड को देने के बाद हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट स्पीड 1 से 2 मिनट हमें लगेंगे जिसमें ये हमारा रिपोजिटरी से MySQL सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पे पुल करके इंस्टॉल कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि काफी स्पीड से ये इंस्टॉलेशन हो रही है और नियर अबाउट 85% प्रोग्रेस यहां पे होगी। अपाचे इंस्टॉल होने के बाद हम एक कमांड के थ्रू भी और एक्चुअल एक वेब ब्राउजर लॉन्च करके भी अपाचे का स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। अपाचे इंस्टॉलेशन के साथ ही एक अपाचे टेस्ट पेज हमारे जो वेब सर्वर डायरेक्टरी में आप कॉपी हो जाता है, जिसको लॉन्च करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी अपाचे सर्विस प्रॉपरली चल रही है और प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। प्रोसेस ऑलमोस्ट थ्रू है, अपाचे सर्वर हमारा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अब वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम एक सिस्टम कंट्रोल कमांड देते हैं, sudo सिस्टम कंट्रोल स्टेटस अपाचे 2। तो ये किसी भी रनिंग सर्विस का स्टेटस हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे अपाचे वेब सर्वर की रनिंग के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन यूज करके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अपाचे सर्वर प्रॉपर मोड में यहाँ पे कन्फिगर्ड है और रनिंग मोड में। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड हम यहाँ पे नेक्स्ट जो अप्रोच है हमारी जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं, ब्राउजर लॉन्च करेंगे, और ब्राउजर में लोकल होस्ट टाइप करने से हमें ये वेरीफाई हो जाएगा। लोकल होस्ट टाइप करते ही अपाचे का टेस्ट पेज हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा और उससे हम वेरीफाई कर पाएंगे कि अपाचे सर्विस इंस्टॉल्ड है और प्रॉपर रनिंग है। सो लोकल होस्ट टाइप करने से अपाचे का टेस्ट पेज यहां आप देख रहे हैं कि हमारे सामने है। तो अपाचे सर्विस कॉन्फ़िगर होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो MySQL इंस्टॉल करने का है। तो MySQL इंस्टॉल करने के लिए हम फिर से MySQL इंस्टॉल करने की कमांड देंगे, सो sudo apt install MySQL server। MySQL इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। MySQL इंस्टॉल होने के बाद यहां पे टेक्स्ट एडिटर में टाइप कर रखी है, alter user root @ localhost identified with MySQL native password by, जो भी नया पासवर्ड मैं रूट यूजर का देना चाहता हूं। सो ये करने के बाद मैं MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन मॉड्यूल लॉन्च करूंगा जिसके थ्रू मैं MySQL को थोड़ा सा फोर्टिफाई कर सकता हूं अगेंस्ट अटैक्स।
सो MySQL सर्वर अब हमारा इंस्टॉल्ड है। अब MySQL इंस्टॉल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो यूजर की ऑथेंटिकेशन टाइप चेंज करना है, हमारा रूट यूजर की, जो ऑलरेडी मैं आपसे मेंशन कर चुका हूँ। तो रूट यूजर की ऑथेंटिकेशन टाइप चेंज करने के लिए जो हम कमांड देंगे वो पहले हम MySQL के इंटरफेस में एंटर कर जाएंगे, sudo MySQL कमांड देके। और उसके बाद हम यहाँ पे ऑल्टर यूजर कमांड देंगे, ऑल्टर यूजर रूट @ लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड विद MySQL नेटिव पासवर्ड बाय जो भी पासवर्ड हम उसका देना चाहते हैं लॉगिन के लिए। ये कमांड देने के बाद हमारा रूट यूजर का ऑथेंटिकेशन मोड चेंज हो जाएगा और उसके बाद हम रूट यूजर में लॉगिन करने के लिए MySQL u root-p और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके थ्रू हम रूट यूजर में लॉगिन कर सकते हैं। MySQL इंस्टॉलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन रन करना। MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन से हम अपने MySQL इंस्टॉलेशन को की सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं। सो रूट पासवर्ड, वैलिडेट पासवर्ड कॉम्पोनेंट इंस्टॉल करने की ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रही है, लेकिन मैं इसे नो करूंगा क्योंकि PHP माई एडमिन के साथ इंस्टॉल में ये कंफ्लिक्ट करता है कई बार, और PHP एडमिन माई एडमिन इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो चेंज द रूट पासवर्ड नो, रिमूव अनोनिमस यूजर येस, डिस अलाउ रिमोट लॉग इन फॉर रूट यूजर येस, रिमूव टेस्ट डाटाबेस येस। इन सारे ऑप्शन से हमारे डाटाबेस की सिक्योरिटी इनहांस होती है। रीलोड प्रिविलेज टेबल्स नाउ येस। अब इस प्रोसेस के बाद हमारा जो MySQL सर्वर है वो थोड़ा सिक्योरिटी उसकी एनहांस होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा PHP इंस्टॉल करने का स्टेप है। तो स्टेप थर्ड पे हम यहाँ पे आ गए। तो PHP इंस्टॉल करने के लिए हमें PHP और उसके साथ लिब अपाचे 2 मॉड्यूल और PHP MySQL प्लगइन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो PHP तो कोर PHP फाइल्स हैं और लिब अपाचे 2 मॉड PHP जो है ये मॉड्यूल अपाचे को PHP के लिए कॉन्फ़िगर करता है और PHP MySQL जो प्लगइन है ये PHP और MySQL की कनेक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम sudo apt install कमांड यहाँ पे दे देंगे और उस कमांड से हमारा ये तीनों पैकेजेस हमारे एक ही बारी में इन वन गो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो टर्मिनल में हम ये कमांड दे देते हैं, sudo apt install php lib apache 2 mod php और php mysql। सो ये पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉलिंग php माई एडमिन। सो PHP माई एडमिन इंस्टॉल करने के लिए कुछ रन करने के लिए कुछ मॉड्यूल्स हमारे रिक्वायर्ड हैं, उन मॉड्यूल्स को हम पहले इंस्टॉल कर लेंगे उन पैकेजेस को। सो PHP इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप PHP माई एडमिन इंस्टॉल करना है। PHP माई एडमिन के लिए कुछ पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड हैं, वो हम पहले इस कमांड से इंस्टॉल करेंगे, sudo apt install php json php mb string php zip php gd php curl। अब ये कमांड देने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इन केस ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होंगे तो इंस्टॉल हो जाएंगे, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मैसेज अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट कमांड जो हम देंगे php माई एडमिन इंस्टॉल करने के लिए sudo apt install वाई php माई एडमिन। सो यहां पे हम पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे, इस स्क्रीन पे हम ये डिसाइड करेंगे कि किस सर्वर को हम php माई एडमिन के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपाचे 2 है तो हम अपाचे 2 ही सिलेक्ट करेंगे।
पीएसपी माई एडमिन इंस्टॉल करने के बाद कुछ स्टेप्स जो हमें परफॉर्म करने हैं। पीएसपी माई एडमिन में कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपाचे डॉट कॉन्फ को हमें लिंक करना है, अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पीएचपी माई एडमिन डॉट कॉन्फ। तो इस कमांड से हम ये लिंक जनरेट कर देंगे, सिम्बॉलिक लिंक। और उसके बाद हमें ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल एनेबल करनी है, और फिर हमें एमबी स्ट्रिंग मॉड्यूल भी एनेबल करना है पीएचपी का, और एंड में हम अपाचे सर्विस को रीस्टार्ट कर देंगे ताकि वो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इफेक्ट में आ जाएं। सुडो सिस्टम कंट्रोल रीलोड अपाचे टू, इस कमांड से अपाचे टू सर्विस रीलोड हो जाएगी और ये सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इफेक्ट में आ जाएंगे। पीएचपी माय एडमिन को चेक करने के लिए हम ब्राउजर विंडो खोलेंगे। और ब्राउजर विंडो में हम लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन टाइप करेंगे और पीएचपी माई एडमिन की लॉगिन विंडो हमारे सामने आ जाएगी, जिसके अंदर हम यूजर नेम ऑलरेडी यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन होगा और पासवर्ड जो हमने कॉन्फ़िगर किया अभी वो पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। सो लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन, पीएचपी माई एडमिन का लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने है। इसमें जो भी पासवर्ड हमने सेट किया है वो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम अपने वेब सर्वर के साथ, अपने डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। और यहाँ पे हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस मैनेज कर सकते हैं। तो अपाचे माइसिक्यूएल पीएचपी और पीएचपी माय एडमिन सेट करने के बाद अब हम पीएचपी प्रोग्रामिंग के लिए रेडी हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें।